दोस्तों जस्ट इमेजिन आप अपने हॉलीडेज में किसी बीच के किनारे बैठकर हल्की हल्की धूप सेक रहे हैं और अपनी फेवरेट बुक एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तभी आप अचानक से देखते हैं कि आपके ठीक सामने पानी के शिप से भी बड़ी कोई फिश अपना मुंह फैलाए खड़ी है। उसके मुंह का आकार ही आपके शरीर के आकार से कई गुना ज्यादा बड़ा है। अब बताइए आप क्या करेंगे? आई थिंक इस वक्त आप भागने के अलावा कुछ नहीं करेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। कुछ ऐसा ही नजारा आपको अक्सर देखने को मिल सकता था अगर आज भी दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मेगालोडॉन जिंदा होती। तो चलिए थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मेगालोडॉन आज भी हमारे बीच होती तो इसका हमारी लाइफ पर क्या असर होता। मेगालोडॉन धरती पर आज से तकरीबन 50 लाख साल पहले अस्तित्व में हुआ करती थी, लेकिन ये फिश आज भी समुद्री दुनिया के सबसे बड़ी शार्क के रूप में जानी जाती है। इसकी लंबाई तकरीबन 50 फीट यानी कि सामान्य इंसान की लंबाई से तकरीबन 9 गुना ज्यादा हुआ करती थी। इसका वजन भी 40 टन के करीब हुआ करता था और बाइट फोर्स 18 टन का था। मेगालोडॉन के दांतों की एक खास बात ये थी कि हर हफ्ते इसके नए दांत निकल आते थे और पुराने दांत टूटकर गिर जाया करते थे। इस तरह से एक मेगालोडॉन शार्क अपने पूरी लाइफ में तकरीबन 40,000 दांत समुद्र के भीतर उगल दिया करती थी। आज भी मेगालोडॉन शार्क के लाखों टूटे हुए दांत समुद्र के भीतर पड़े हुए हैं। मेगालोडॉन के बॉडी के अवशेष में सबसे ज्यादा उसके दांत ही मिले हैं। हालांकि इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद मेगालोडॉन के ये दांत अपने वास्तविक रूप में नहीं रह गए हैं, लेकिन फिर भी इनके दांतों के अवशेष को ही देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शार्क कितनी विशालकाय और खतरनाक हुआ करती थी। समुद्र के भीतर रहते हुए ये छोटी शार्क डॉल्फिन्स और व्हेल तक को भी आसानी से अपना शिकार बना लिया करती थी। लेकिन अब आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेगालोडॉन इस धरती पर मौजूद नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने आज के टाइम में मरीना ट्रेंच में मेगालोडॉन को देखा है, लेकिन साइंटिस्ट की माने तो ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी फिश समुद्र के भीतर रह रही होती तो फिर उसका कुछ न कुछ सिंबल जरूर मिला होता, लेकिन आज तक साइंटिस्ट को ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं मिला है। इसलिए इस तरह के दावे पूरी तरह से गलत हैं दोस्तों। अगर आज के टाइम में भी मेगालोडॉन इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही होती तो शायद आप और हम इतने आराम से बीचेस का मजा ना ले रहे होते, ना हम शिप पर बैठकर बेखौफ क्रूज पर जा रहे होते, ना हम फिशिंग कर पा रहे होते और ना शायद हमारे प्लेट में फिशेस से बनी हुई इतनी टेस्टी टेस्टी डिश हो पाती। मेगालोडॉन भले ही समुद्र के गहरे पानी में रहा करती थी, लेकिन वो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए समुद्र के किनारे पर ही आती थी। ऐसे में अगर हम बीच के किनारे बैठकर आराम फरमा रहे होते तो उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और फिर मेगालोडॉन अपने बच्चों को जन्म देने से पहले हमें अपना शिकार बनाना ज्यादा पसंद करेगी। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मेगालोडॉन इंसानों को भी अपना शिकार बनाती थी या फिर नहीं बनाती थी, क्योंकि इंसानों का कभी मेगालोडॉन से सामना नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से वो पानी के भीतर रहने वाले हर जीव को खा जाती थी और यहाँ तक कि वो दूसरी शार्क और व्हेल्स को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूकती थी, उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि मेगालोडॉन मौका पड़ने पर इंसानों को भी अपना शिकार बनाने में कोई कोताही नहीं करती। हाँ, ये भी हो सकता है, कब क्या हो जाए कौन जानता है भला। दूसरी बात, मेगालोडॉन एक बार में तकरीबन 111 किलो खाना खा जाया करती थी और जो भी उसके सामने आ जाता था वो सबको चबा जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि मेगालोडॉन के लगातार अस्तित्व में बने रहने पर शायद आज बहुत सी फिशेस का अस्तित्व भी खत्म हो चुका होता और शायद व्हेल, डॉल्फिन्स और वाइल्ड शार्क बस इतिहास बनकर रह गई होती और हम इन्हें कभी नहीं देख पाते। उसके बाद मेगालोडॉन की मौजूदगी में हम समुद्र के भीतर भी जाने से डरते और हो सकता था कि कभी भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए समुद्री रास्तों का उपयोग ना कर पाते। समुद्र के भीतर फिशिंग भी हमें भूल जानी पड़ती, क्योंकि क्या पता कभी आपके जाल में कोई मेगालोडॉन फंस जाती, फिर तो लेने के देने पड़ जाते। तो सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो आज के टाइम में मेगालोडॉन के होने पर इंसान से लेकर पानी के भीतर रहने वाले जीव तक
हर किसी के मन में एक डर का माहौल होता। लेकिन हाँ, मेगालोडॉन के आज भी अस्तित्व में होने के कई सारे बेनिफिट्स भी होते, जैसे कि ओशियन में इतना पॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि वहाँ इंसानों का आना जाना कम होता। सो आपको क्या लगता है, मेगालोडॉन के आज भी एग्जिस्टिंग होने पर क्या होता? क्या हमें इसका कुछ फायदा मिलता या कुछ लॉस होता? व्हाटएवर, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।